नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य राजेश। आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज़ के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट को। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का सुविचार। मित्रों, दूसरों की गलतियां यदि हम देखते हैं तो एक अलग बात होती है और उनको माफ़ कर देते हैं तो ये दूसरी बात होती है। यदि कोई व्यक्ति गलती कर रहा है और हम उसको चेतावनी दें, फिर भी कई बार व्यक्ति की प्रकृति होती है लगातार गलती करते रहने की, और हम उसमें सुधार की कोई गुंजाइश ढूंढ लें और उस व्यक्ति में सुधार करने का प्रयास करना शुरू कर दें, तो हम एक पंथ दो काज करते हैं। एक तो हम अपनी महानता को भी बढ़ाते हैं और दूसरा उस व्यक्ति को लगातार सुधार कर अपने अंदर की जो शक्ति होती है उस शक्ति में कहीं ना कहीं से वृद्धि कर लेते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे की गलती को माफ़ करने का अच्छा परिणाम हमारे हाथ में होता है। आज 27 अक्टूबर 2018 शनिवार का दिन है, चतुर्थी आज तिथि है, साथ ही आज नक्षत्र है कृतिका। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन धनदायक है। यदि परिजनों के साथ बैठकर कोई बातचीत कर रहे हैं तो आपको वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा, लेकिन इसके विपरीत कार्यालय इन क्षेत्रों में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर उत्तम सफलता की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे इसलिए अपने भगवान की आज पूजा आप स्वयं करें, अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज शांति रहेगी, तनाव भी आज कम होगा और जो लोग आपसे संपर्क में हैं उन्हें भी आपसे अच्छा फायदा होगा। कुल मिलाकर आज आप दूसरे लोगों के काम अधिक करेंगे, उनसे उन्हें प्रसन्नता मिलेगी और सभी कार्य करके आप भी खुश रहेंगे। आज आपका दिन और अच्छा रहे उसके लिए थोड़ा सा मीठा दूध पीकर घर से बाहर निकलें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज तनाव मुक्त रहना चाहिए, आपका दिन बहुत अच्छा है, लाभ बहुत अच्छे हैं, मात्र यात्राएं आपकी अधिक हो रही हैं उस कारण से थोड़े से आप तनाव में हैं। यात्राओं की चिंता ना करें, यात्राएं आपकी बहुत अच्छी होंगी और जहां भी आप जा रहे हैं वहां कहीं ना कहीं उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे उसके लिए लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज व्यापारिक गतिविधियाँ आपकी बहुत अच्छी हैं, अच्छे लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं और जो काम आप स्वयं करना चाहते हैं उसी काम में आपको अच्छा फायदा होगा। दूसरे व्यक्तियों की यदि सहायता ले रहे हैं तो वहाँ आपको निगाह अपनी लगाकर रखनी होगी, अन्यथा उनकी गलती से थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए अभी 5 दिन अनुकूल हैं और उसमें आप पूर्ण रूप से सफल भी होंगे, मात्र झूठ बोलने पर आपको नियंत्रण रखना होगा। जो भी वायदे करने बिल्कुल साफ साफ करें, किसी से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है और आज आप जितना स्पष्ट बोलेंगे वर्तमान में भले ही बेकार लगे लेकिन उसके परिणाम सार्थक आपके सामने होंगे और आपको बहुत अच्छे लाभ के संकेत जो खुद ही मिलेंगे और उसमें भी आपकी परिस्थिति बेहतर होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए अपने भगवान को पकवानों का भोग लगाएं। कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए आज का दिन व्यवसायिक दृष्टि से अच्छा दिन है, नौकरी की दृष्टि से अच्छा दिन है। आज आप घर के बाहर के ही कार्य करें बेहतर होगा, घर में थोड़ा सा तनाव हो सकता है और बाहर जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको पूरी पूरी सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे अपने भगवान को पीले पुष्प को अर्पित करें। तुला राशि के व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आज आप मेहनत थोड़ी अधिक कर रहे हैं और उस कारण से आप चिंतित भी हैं और परेशान भी हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने के साथ साथ सहायता लें या दोपहर में विश्राम करें बेहतर होगा, लेकिन आज खाने में कोई कमी न रखें और खाने की अधिकता भी ना हो इसका भी विशेष ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन पारिवारिक जीवन में ही व्यतीत हो जाएगा, घर बच्चों में साथ ही जो भी काम आप कर रहे हैं परिवार के ही आज काम होंगे। ऑफिस में यदि कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत काम होगा लेकिन बेसिक जो काम होंगे घर परिवार के होंगे, समस्या उनकी होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए हनुमान जी का दर्शन करें। धनु राशि के व्यक्तियों के लिए अच्छी सफलताएं मिलेंगी और मुझे लग रहा है आज की सबसे अच्छी राशि है धनु राशि। आप जिन कामों को करेंगे उसमें बहुत जल्दी सफलता मिलेगी और विशेष रूप से यदि आप व्यवसाय को बढ़ाने से संबंधित कोई मीटिंग करने जा रहे हैं तो उसमें आप पूर्ण रूप से सफल होंगे और नए लोगों के माध्यम से भी आज फायदे के योग बनते हैं। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए अपने भगवान को एक माला समर्पित करें। मकर राशि के व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल दिन है, हालांकि आज का दिन विशेष रूप से भाग्य को बढ़ाने वाला दिन है, आपको उसी तरह से कार्य भी करने चाहिए और जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा समय आज अधिक लगेगा लेकिन वह कार्य संपन्न हो जाएगा, तो चिंता रहित रहकर कार्य के संपन्न होने का प्रयास करते रहें।
आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अपने भगवान को मिश्री का भोग लगाएं। कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, थोड़ा तो वाणी पर आपको संयम रखना होगा और विशेष रूप से कम बोलकर जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। और उत्तर दिशा आपके लिए आज फलित हो रही है, उत्तर की तरफ मुंह करके कार्य करेंगे, कोई काम नहीं बिगड़ेगा, सफलता अच्छी प्राप्त होगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए गाय को एक रोटी अवश्य खिलाएं। मीन राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है, अच्छे की शुरुआत सुबह से होगी और दोपहर में कुछ खुशखबरी भी आपको प्राप्त होगी। परिजन आपसे आज प्रसन्न रहेंगे और परिजनों के लिए आज कुछ करना भी आपको होगा। और आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। यह मेल हमें प्राप्त हुआ है संगीता वर्मा जी का पुणे से। संगीता जी, आपने जानना चाहा कि आप सॉफ्टवेयर में जॉब करते थे, अब जॉब आपका नहीं है, कहीं कंपनी में आप काम करते थे, शायद वहाँ पर काम नहीं होने के कारण आपको जॉब से हाथ धोना पड़ा। परिस्थितियाँ संगीता जी आपकी अब फेवर में 15 नवंबर से ही आ रही हैं, तो अधिक चिंता आप नहीं करें, थोड़े से प्रयास को आप बढ़ा दें। वर्तमान में समय अवश्य ही केतु चल रहा है, जो थोड़ी सी परेशानी तो खड़ी करता है लेकिन आखिरी में लाभ दिलवा जाता है। ऐसे समय में श्री गणेश जी की आराधना करना लाभकारी होता है। साथ ही जो भी हम जॉब सर्च कर रहे हैं, अपने ही क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम दिशा में आप जॉब सर्च करें, आपकी जॉब बिल्कुल लगेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका बाकी का समय भी 3 साल आने वाले बहुत अच्छे हैं। आज करवा चौथ का दिन है। आपने देखा होगा कि आपके पति कई बार कमाते हैं और पैसा नहीं टिक पाता है, स्वास्थ्य उनका विपरीत हो जाता है। ऐसे दोष की निवृत्ति के लिए ही महिलाएं सब कुछ पूजन करने के बाद छलनी में अपने पति का मुंह देखती हैं और ऐसा करने से जो नज़र का दोष होता है ये दूर हो जाता है। लेकिन कैसे देखें, कैसे नज़र का दोष दूर हो, उसके लिए आप जब छलनी लगाती हैं तो सीधी उठा के ऐसी न देखें, छलनी को आप सीधे हाथ में पकड़ें, उल्टे हाथ की तरफ से ऐसे छलनी को सामने लेकर आएं, फिर पति की सूरत देखें, वो बाईं तरफ उठाकर सीधे नीचे रख दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जो छलनी में सूरत देखने का एक्चुअल महत्व है वह आपको समझ में आ जाएगा। मित्रों, आज इतना ही। यदि आप भी हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है astrologywithacharyarajesh@gmail.com। अब आप हमें आज्ञा दीजिए, कल पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।